व्हाट्सअप गाइस, सलाम सत श्री अकाल सभी भाइयों को मेरे। आप देख रहे हो रेम्बो ब्लॉग्स, मैं हूं आपका भाई रेम्बो। सो गाइस, आपको पता है आज है करवा चौथ। सो गाइस, आज है पतियों का दिन। राजा जी, और आज रखा है हमारी बीवी ने करवा चौथ का व्रत। आज है हमारा दिन, इसकी मूर्ति बननी चाहिए। लेकिन एक सेकेंड, जो जी बीवी मेरे को रोज मारती है उसने मेरे लिए क्या बोला तूने? व्रत रखा आज। So guys, आज मैं आपको दिखाता हूँ करवा चौथ के जो हमारे रीति रिवाज होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्या आप देख सकते हैं हमारी एंजल जी, एंजल अपने आप पीछे देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से पूजा की जो तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा गाइस, मेरी वाइफ ने कितने ही अच्छी तरीके से पूजा की जो तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे माता जी की फोटो लगी है और यहाँ पे कथा की बुक पड़ी है, फल पड़े हैं, फ्रूट्स पड़े हैं सभी, ये चावल है, अभी दिया जला रहे हैं। कथा स्टार्ट होने वाली है जो करवा चौथ में औरतें सुनती हैं कथा। उधर देखिए छन्नी, लोटा, प्लेट एंड अगरबत्ती, सब कुछ तैयारी पूरी अच्छी तरीके से। सो गाइस, अब जो करवा चौथ की जो कथा है वो स्टार्ट होने वाली है। साहूकार रहता था, उसके सात बेटे और एक बेटी थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर एक साथ खाना खाते थे। बहन की शादी के बाद भाई बहुत उदास रहने लगे। जब उनकी बहन को इस बारे में पता चला तो वह रहने के लिए मायके आ गई। जब वह मायके में थी तब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। तब बहन ने अपनी माँ और भाभियों के साथ मिलकर अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। जब सभी भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद उगने के बाद भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा, चांद तो पता नहीं कब उगेगा, तब तक हमारी बहन भूखी रहेगी। तब उन सब ने एक उपाय सोचा और पहाड़ पर जाकर आग जलाई और उसके आगे छलनी लगाकर चांद बना दिया और बोले, बहन बहन, चांद उग गया है। तब उसने अपनी भाभियों से कहा कि चांद उग गया है, आओ पूजा करें। तब भाभियां बोली, ननद जी, यह चांद तो आपके लिए उगा है। वह बहुत भोली थी और नकली चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जी सास के पैर छूने लगी। तब सास ने कहा, बहू, मैंने तो इसे पिछले साल ही भेज दिया था, यह तो तेरे कर्मों का फल है कि आज मेरा बेटा मेरे सामने जिंदा खड़ा है। फिर सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी घर वापिस आ गया। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसे ही सभी को अमर सुहाग का आशीर्वाद प्रदान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। बोलो चौथ माता की जय। यदि तो गाइस, अब फाइनली हमने कथा जो सुन ली है, अभी हम जा रहे हैं सूर्य देव जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं। अभी देख सकते हैं सूर्य देव जी को जल चढ़ा रहे हैं अभी। तो गाइस, फाइनली अभी हमारी कथा जो हमने सुन ली है पूरी होगी वो कथा, और हमने सूर्य देव जी को भी जल चढ़ा दिया है। सो अब आगे की तैयारी होगी, वो जो शाम को होगी तैयारी, अब हमारी बारी आएगी थोड़ी देर में। चंद्रमा जी आएंगे, हमें कुछ देके जाएंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? चंद्रमा जी आएंगे, हमें अमृत का वरदान देके जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। Hey, what's up guys? So, रात के बज गए हैं 8:30। कह रहे हैं चंद्रमा अभी 9 बजे के बाद निकलेगा। 9 मगर क्यों? 9:30 के बाद निकलेगा। सो गाइज, मैं भी हो चुका हूँ देखो रेडी, एंड हमारी वाइफ सोनम जी भी पूरी हो चुके हैं रेडी। ये देखिए पूरी ऐसे चमक रही है जैसे कैसे चमक रही है, प्यारी समझ गई। गाइस देख सकते हैं अब हमारी, मैं और मेरी वाइफ हो गए रेडी। अब करेंगे हम पूजा और देखते हैं कब तक चंद्रमा जी निकलते हैं, फिर देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारी एंजल भी अपनी मम्मा के साथ बैठी है पूजा करने के लिए, तो करवा चौथ की पूजा की। फाइनली अभी पूजा सब खत्म हो गया अभी। सो अभी हम रेडी हो गए ऊपर जाने के लिए क्योंकि चांद निकल आया है भाई जी। सो गाइस, चंद्रमा जी की पूजा होगी अभी जाके छत पे,
और फिर जाके हमारी पूजा होगी, कुछ खाने को मिलेगा शायद। मैंने आपका नमक खाया सरदार, अब गोली खा। हमारी जो थाली है ये भी रेडी हो चुकी है, पीछे देख सकते हैं सब कुछ रेडी है, फ्रूट मिठाई दिया जल में देख सकते हैं, सोनम जी भी पूरी रेडी हुई पड़ी है। आज तो सही पकड़े हैं गाइस, आप देख सकते हैं जो एंजल है पापा जी के पास चली गई है, अब कहते हैं हमने तुम्हारे पास नहीं रहना, मैं पापा के पास रहूंगी। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं छत पे, आप देख सकते हैं हमारी छोटी बहना भी आ गई है, हमारी वाइफ भी आ गई है। वापिस रख उसे। So guys, finally हमने सब कुछ रीति रिवाज कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं नीचे। ये देखिए हमारी सिस्टर, ये हमारे डैडी जी। guys, अभी करवा चौथ हो गया खत्म। So guys, अभी हम आ गए नीचे। So guys, देखिए प्यासी पानी की भूखा पूरा लोटा पी गई है। असंभव। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। गाइस अभी खाने की हो रही है तैयारी, आप देखते हैं खाना क्या बनाया है मेरी वाइफ ने हमारे लिए। सो आप देख सकते हैं मेरी वाइफ ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, चावल और मटर के साथ, मेरे को लग रहा है मटर पनीर है शायद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये देखिए गाइस पकौड़े भी हैं, पूड़ियां, देखते हैं गाइस कितने ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं देखने में ही, और खाने में तो क्या बातें हो जाएंगी। सो गाइस अब मैं डाल रहा हूं सोनम जी के मुंह में पहला निवाला, सुबह से खत्म। छोटी लिटिल सिस्टर भी आ चुकी है अपनी भाभी जी के लिए गिफ्ट लेके, अरे चॉकलेट मेरे लिए नहीं मेरे लिए है, नहीं नहीं मेरे तुम्हारा भाई नहीं हूं, नहीं क्यों मेरी भाभी अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बताइए कैसा रहा हमारा करवा चौथ और आपका भी करवा चौथ कैसा रहा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं गाइज अब अगले व्लॉग में।